नवरात्र के पहले दिन सैकड़ों भक्तों ने गर्जिया मंदिर जाकर की पूजा अर्चना। नवरात्र के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र का पर्व मां के प्रति विश्वास और आस्था का पर्व माना जाता है। इस पर्व के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। आज रामनगर में भी मां के भक्तों ने शैलपुत्री की आराधना की, वहीं माता के भक्तों ने गर्जिया माता के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। गर्जिया माता मंदिर एक पौराणिक मंदिर है। यहाँ पर हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। माता भी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। आज नवरात्रों के पहले दिन सुबह 4 बजे गर्जिया माता के मंदिर के कपाट खुल गए थे। हजारों भक्तों ने माता के दर्शन किए। वहीं मंदिर के पुजारी जितेंद्र पांडे ने बताया कि प्रातः 4 बजे से मंदिर कपाट को खोल दिया गया था, जिससे भक्तों ने माता के दर्शन किए हैं। आज दूर दराज के क्षेत्रों से आए दर्जनों की संख्या में भक्तों ने गर्जिया माता के दर्शन किए। वहीं प्रशासन के द्वारा हर्ष की बात मंदिर को बहुत सहयोग दिया गया। ये लो जी, नाव जी आगे बढ़ो जी, आगे रहिए, आगे को बैठे, आगे को बढ़ो। उतरने का भी है, उतरने का आगे बढ़ो। ये लो जी, नाव जी आगे बढ़ो जी, ये लो जी, ये लो जी। जय माता दी, बोलो बोलो, जय माता दी, मिलकर बोले, जय माता दी, छोटा वाली हम भी बोले, जय माता दी, सभी बोले, जय माता दी। प्रातःकाल 4 बजे मंदिर के कपाट खोल गए थे और सर्वप्रथम हमने यहाँ पर माता रानी की आरती वगैरह संपन्न कराई। सभी भक्त लोग आना शुरू हो गए और आज पूजा अर्चना होती है। जो शैलपुत्री की जो देवी है, ये इसका रूप का ये महात्म है कि ये पूरे संसार में सुख और सौभाग्य को देने वाली है। माता शैलपुत्री की जो लोग पूजा अर्चना करते हैं उनमें भय व्याधि पीड़ा इत्यादि से वो निवृत्त होते हैं। ऐसी कोई भी विघ्न बाधा शत्रु का कोई भी दोष उनको नहीं लगता है। जो भी माता रानी करता है और माता गिरिजा रानी के जो भी माता यहाँ पर दर्शन करने आता है उनको ये जो जितने भी प्रकार के भय हैं इन सबसे और उसको प्राप्त होता है। और प्रथमम शैलपुत्री जो द्वितीयम ये ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे थी कुष्मांड पंचमम स्कंद माते थी अष्टम कात्यायनी थी सप्तमम कालराती थी महागौरी चाष्टमम नमम सिद्धदात्री चौ नव दुर्गा प्रतिपिता तान तान नावानी ब्रह्मणे महात्मा। ये जो माता है इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भैया जी, आगे आओ। ये गंदगी फैल जाती है, लोगों से हमारा सबसे निवेदन है कि पर्यावरण को शुद्ध रखें और इस क्षेत्र की ये पवित्रता को बनाए रखें। प्रशासन ने भी काफी अच्छा सहयोग किया है, वे 24 घंटे हमारी सेवा करते हैं क्योंकि पुजारी निवास यहाँ पर भी है और यहाँ पर जंगल में उनका जीवन है और पूरा हिंसक जानवरों से भरा पड़ा है। तो हमको माता रानी का आसरा है और इसके अलावा हमें सिर्फ हमारे जो लोकल का प्रशासन है उसका आसरा है। उनके हिसाब से हम यहाँ पर करते हैं। आप सबका शुक्रिया, चैनल वालों का भी शुक्रिया, सभी भक्तों को यहाँ से आशीर्वाद। आज हम लोग नवरात्र के पहले दिन पे गर्जिया माता के दरबार पे आए हैं। हम लोग बहुत दूर से आए हैं बागेश्वर से और इस मंदिर की मान्यता बहुत है, इसलिए हम पूरे परिवार के साथ आए हैं और हम बहुत खुश हैं। माता से क्या मन्नत मांगने आई हैं आप? माता रानी ने मुझे सब कुछ दिया है तो मैं बस धन्यवाद कहने आई हूँ माता को। जो श्रद्धालु यहाँ पे नहीं पहुँच सके वो कुछ कहना चाहेंगे उनको? श्रद्धा तो मन में होती है, तो कोई बात नहीं, जो नहीं पहुँच पाए माता का बुलावा जब होगा नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। जय माता की।